हिसार में अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान हरियाणा के हिसार में आदमपुर में यहां बड़ा दांव खेल दिया है। आदमपुर में केजरीवाल बोले कि साल 2024 में हरियाणा में बनने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार का गेटवे आदमपुर से होकर गुजरेगा। हिसार के आदमपुर में अरविंद केजरीवाल की ये तिरंगा यात्रा हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर आपकी तैयारी है। हिसार में अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आदमपुर के अनाज मंडी में मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन का आगाज किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल यहाँ अपने हरियाणवी अंदाज में नजर आए। हिसार में अपने जन्म से लेकर अपनी जवानी तक के सफर को केजरीवाल ने याद किया। जब मैं हिसार में 9वीं क्लास में पढ़ा करता था, 9वीं 10वीं मैंने कैंपस स्कूल से करी, फिर 11वीं 12वीं डीएन कॉलेज से करी। उस टाइम छोटा सा बच्चा था, शर्मीला, पढ़ाई में अच्छा था, फर्स्ट आया करता था और 11वीं 12वीं में पूरे हरियाणा में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 6ठी पोजीशन आई थी मेरी 11वीं में भी 12वीं में भी। उस टाइम जिंदगी में नहीं सोचा था कभी राजनीति में जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों और अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास बना रहा हूँ। हरियाणा वालों, तुम भी अपने अच्छे स्कूल और अस्पताल मुझसे बनवा लो। केजरीवाल ने यहाँ मंच से आवाज दी कि हरियाणा की खट्टर सरकार सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है और केजरीवाल सरकारी स्कूलों में वर्ल्ड क्लास शिक्षा, बेहतरीन अस्पताल और 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहा है। पूरी दुनिया के स्कूल ठीक करता घूम रहा हूँ मैं, पूरी दुनिया के अस्पताल ठीक करता घूम रहा हूँ मैं, पूरी दुनिया में मोहल्ला क्लिनिक बनाता घूम रहा हूँ मैं, पूरी दुनिया की बिजली मुफ्त करता घूम रहा हूं। हरियाणा वाले, तुम भी करा लो मेरे से भाई, मेरी जन्मभूमि है, मेरा अपना ही राज्य है, मेरा अपना ही गांव है, आप क्यों नहीं कराते मेरे से? हरियाणा के भी स्कूल ठीक करा लो। वो खट्टर साहब रोज स्कूल बंद करते घूम रहे हैं, वो बच्चा अभी खड़ा होकर चिल्ला रहा। आदमपुर की धरती पर खड़े होकर केजरीवाल यहाँ हुंकार भर रहे थे तो भला आदमपुर की चौधर का जिक्र कैसे ना होता। आदमपुर की चौधराहट होती थी पूरे हरियाणा में, नाम था आदमपुर का कांगई टोर। इस बार आम आदमी पार्टी को जिता दो, पूरे देश में, चेन्नई में, वेस्ट बंगाल में, असम में, केरला में चर्चे हो जाएंगे। आदमपुर में केजरीवाल की पार्टी जीत गई, आदमपुर में सारी दुनिया जान जाएगी, नक्शे पे आदमपुर भी है, सारी दुनिया जान जाएगी, चौधराहट वापस आ जाएगी और आदमपुर गेट होगा, उस गेट के जरिए आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर 2024 में सरकार बनाएगी। आदमपुर में रैली के मंच से पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हरियाणा की राजनीति में बड़े बदलाव के लिए हरियाणा की जनता से आपका साथ देने की अपील की। बड़ी बड़ी दुकानें बंद होंगी, भ्रष्टाचार की दुकानें बंद होगी, बहुत कुछ होगा, 107 नंबर दुकान भी बंद होगी। सही है ना? बंद हो जाएंगे ये, इन्होंने समझ क्या रखा अपने आप को यार। पब्लिक है ये, पब्लिक है, सब जानती है, लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर और कुलदीप बिश्नोई की तरह हंकार करे ऊपर जाकर तो लोग कहते हैं आजा बेटा फर्श पर। हरियाणा के हिसार में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की इस हंकार के बाद इतना तो साफ हो गया है कि केजरीवाल की आप हरियाणा में अगली सरकार बनाने के लिए यहाँ बड़ा दाव आजमाएगी। हरियाणा के स्थापित राजनीतिक दलों के लिए अब आम आदमी पार्टी भी बड़ी चुनौती बनने जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब हरियाणा के हिसार के आदमपुर में रैली के मंच पर आए तो हरियाणवी अंदाज में
अपनी जन्मभूमि पर पहुंचकर हरियाणा के लोगों को संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल के इसी अंदाज को देखकर हरियाणा के लोगों को भी ये लगने लगा कि कोई अपना सा उनके बीच आया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान के हरियाणा के हिसार में पहुंचने से हरियाणा की राजनीति में अब बड़ी संभावनाएं आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को नजर आने लगी है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, आदमपुर, हिसार।